अस्सलाम वेलकम बैक दी अनदर व्लॉग। आज सुबह सुबह बारिश हुई है, अभी तो थोड़ी थोड़ी धूप निकली है, शायद दोबारा फिर बादल आ जाए। अभी हम लोग जा रहे हैं काम पे और हाफिज साहब जा रहे हैं बाइक लेने अपनी। हम दोनों ही जा रहे हैं पैदल, अभी तो पैदल जा रहे हैं, आगे से कोई ना कोई सवारी मिल जाएगी फिर चले जाएंगे। हाँ, लिफ्ट किसी से लेकर चले जाएंगे। मौसम अभी आज खुशगवार है, ठंडा ठंडा। आज काम करने का भी मज़ा आएगा, तो धूप बहुत होती है। दोपहर के टाइम इतनी गर्मी होती है ना, परसों वाले दिन तो मेरे नाक से खून बह रहा था, इतनी गर्मी थी। बहरहाल गर्मी तो गर्मी है, आपको पता, बारिश आ तो काफ़ी होगी ना, फसलों के बीच भी पानी खड़े। हम लोग खड़े हैं विवर कब्रस्तान के जनाजा गांव में। अभी वो चार दीवारी रहती थी, थोड़ी सी फोकी है, अभी वो टैलेंट लोड कर रहा है भाई इस लोडर में, ये उधर लेकर जानी घर ना। वो रेत पड़ी है, ये बच गई थी तो उधर से उठा कर ना वो रोड वाली साइड से यहाँ फेंक। ये देखें भैया कितना हरा भरा कब्रिस्तान, ये बकरियाँ ना चारा खा रही हैं कब्रिस्तान, घास है ना हरा भरा वो खा रही। मैं खड़ा हूँ दीवार के साथ, अभी काम हमने ख़त्म किया है, देख रहा हूँ उधर कोई चीज़ ना रह गई, देख के आ जाता हूँ, देख सकता हूँ। कल भी ना हम एक बाल्टी भूल गए थे, तो आज देख लेते हैं कोई चीज़ है तो नहीं। हम लोग आए हैं वीवर्स बेकरी पर, ये यहाँ के ना फेमस समोसे हैं, तो मैंने कहा खा लें, भूख भी बहुत लगी है, खाना अब घर जा के खाएंगे, तो मैंने जाफर भाई से कहा समोसे खा लें फिर मिल। हम आए तो कलेजी लेने, कलेजी तो मिली नहीं, हम क्या कलेजी तो मिली नहीं, अब क्या लें हैं, अब सब चीज लेते हैं। चाल भाई की चाल भाई ने है स्लो प्याला था, कटिंग करवानी थी, खत बनवाना बनवा लिया। हाँ चलो, हम बैक वीवर, अभी हम लोग आए साग तोड़ने के लिए, साग तो मिला नहीं, तांदला ही मिला, तांदले वाला साग वो तोड़ रहे हैं बच्चे, मैं तो इधर आ गया हूँ। अभी वो तोड़ लें तो फिर जाएंगे घर वापस, अभी दरिया वाली साइड पे आए, इधर देखें मेरा ख्याल वो घास लगाया किसी, वो पीछे कब्रिस्तान है और दरबार भी है, उस साइड पे भी कब्रिस्तान है। अभी मैं नहाया भी नहीं हूँ, काम से आया हूँ ना, तो मेहमान आए थे उनको छोड़ने गया हुआ था। अभी साउद भाई आए हुए हैं लेकिन वो गया हुआ है काम, वीडियो बना रहा है। वह फिर यार घूम रहा हूँ, मैंने कहा चलो व्लॉग ही बना दें। दो दफ़ा मैं गया हूँ बाज़ार, एक दफ़ा सब्ज़ी लेने, फिर गोश्त लेना था वो ले आया हूँ,
फिर जल्दी जल्दी वापस आ गए। आज सुबह बारिश आई है, उसके बाद नहीं बारिश हुई, बादल आए, बादल फिर चले गए। बाबा बशीर डंगरों को ना चारा डाल रहा था और निभा रहा था, तो उसने मेरे ऊपर भी पानी फेंक दिया। अभी धूप निकली हुई है काफ़ी, पानी लगा हुआ है, तो उन्होंने पट्टे लगाए हुए हैं चारा ना भैंसों के लिए। अभी अभी लगाए, अभी तो इतने इतने हैं छोटे छोटे, तकरीबन दो ढाई माह में तैयार हो जाएंगे। देखिए कितने हरे भरे खेत हैं। ट्रेन भी जा रही है, आपको आवाज़ आ रही होगी। रिवर मैं अभी आया हूँ बाहर, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। मैंने कहा थोड़ी देर क्रिकेट देखता हूँ, तो सात दरबार था, मैंने कहा वहाँ सलाम करूँगा। अभी दरबार की तरफ ही जा रहा हूँ, तो वहाँ सलाम करेंगे, उसके बाद फिर घर चलेंगे, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया। बच्चे चले गए थे साग तोड़ के घर ना, तो मैं आगे आ गया था। मैंने कहा चलो मैं वीडियो बना लेता हूँ, आप लोग जाओ तो मैं आ जाऊँगा, तो वो चले गए घर, तो मैं इधर आ गया। मैंने क्रिकेट देखी थोड़ी सी, उनको मैंने कहा है वीडियो बना लूँ, वो कह रहे नहीं। ज़्यादा लोग डरते भी हैं, और कोई कोई लोगों को वैसे भी शर्म वगैरह आती है वीडियो बनाने में, तो इसलिए मैंने फिर बनाई नहीं। मैंने थोड़ी देर मैच देखा, फिर मैं आ गया। अभी मैं जा रहा था इस तरफ ना दरबार पे, मैंने कहा सलाम कर लेते हैं तो फिर सीधा घर जाएंगे। अभी धूप निकली हुई है, सुबह तो बारिश आई है, इतनी ज़्यादा भी नहीं आई लेकिन आई है, और फिर धूप निकल आई। हमने काम भी किया काफ़ी ना, तो फिर आ गए। अभी मैं आके दरख्त के नीचे खड़ा हूँ, ये पीछे कब्रिस्तान है, अभी उस साइड पे मेरे कैमरे की बैक साइड पे दरबार है, तो अभी जाएंगे वहाँ सलाम वगैरह करेंगे। अभी कॉल आ रही थी भावलपुर से, तो कोई नंबर देख रहा था, अभी उसे कॉल लगा लेते हैं, क्या कहता है पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ठीक, कदो आसो। रिवर जो सुबह बारिश आई है ना, ये पानी ठहरा हुआ, यहाँ खड्डे बने हुए ना, इसलिए पानी ठहरा हुआ। रिवर मेरे पीछे पानी का तालाब बना हुआ है, देखे कितना बड़ा है। अभी मैं दरबार की तरफ जा रहा हूँ, देखते ही हैं खुला है तो फिर सलाम करेंगे और फिर चले जाएंगे। अकेला आया हूँ ना, एक तो वैसे पैदल चल चल के थक गया, अभी दरबार के अंदर एंटर हो गए हैं, देखते हैं दरबार खुला तो सलाम करेंगे और फिर जाएंगे। माशाल्लाह दरबार तो खूबसूरत है, ये है भी दरबार, ये देख, और ये है मस्जिद।
माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है मस्जिद, ये दरबार जैर तमीर अभी बना रहे हैं मेरे ख्याल, अंदर पता नहीं है वो कि नहीं, खुला ही है, विश्राम कर लेते हैं। ये देखें ये दरबार है, माशाल्लाह माशाल्लाह कितना खूबसूरत दरबार है। साइड पे ये कुरान पाक पढ़े हैं, माशाल्लाह सुबहानल्लाह। ये ऊपर कनोपी बनी हुई है इसकी, देखें व्यूअर्स कितना खूबसूरत है माशाल्लाह। ये इस साइड से भी हुआ इसका, मैंने बच्चों को कहा था अभी आप भी चलो साथ, लेकिन वो आए ही नहीं, तो मैंने कहा मैं खुद ही सलाम कर लेता हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह कर लिया व्यूअर्स, अब चलते हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत दरबार है, ये देखें इस साइड पे तमीर हो रहा है ना, ये देखें और कुछ इस साइड पे भी नज़ारे बनी हुई हैं, ये भी पीरों की लड़ी में से होंगे। उस साइड पे भी ज़ेर तमीर है, माशाल्लाह अभी बन रहा है, बहुत खूबसूरत। ये पुराने बहुत पुराने दरख्त लगे हुए हैं, ये देखिए बहुत पुराने दरख्त लगे हैं, माशाल्लाह मस्जिद बहुत खूबसूरत है। इस साइड पे इतना बड़ा कुआं, बड़ा पुराना कुआं है, ये देखिए नूर फातिमा और सहर दोनों खेल रहे हैं, मट्टी पे खड़े हैं। ये नूर फातिमा है, ये सहर है। पहुंच चुके हैं व्यूअर्स घर, ये देखें ये सहर नूर फातिमा, ये देखें ये फिजान है, वो अली हमजा है, ये सारे आए हुए हैं। वो आनिया भी आ गई। आज की वीडियो करते हैं एंड, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।